सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल इन यूट्यूब। गाइज देखिए, यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पहला तो देखिए, पहले एक अपडेट कि आपका जो भी डाउट हो कॉमेडी टैब पे मैंने पोस्ट किया है, आज जाके वहाँ पे आज कीजिए, ठीक है। दूसरी थिंग यहाँ पे बता दूँ आपको, ठीक है गाइज। तो पहला अपडेट क्या था, आपको कॉमेडी पे जाकर अपना जो भी क्वेश्चन हो भेज दीजिएगा, आज करना, ठीक है। दूसरी थिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सभी को आज फिर से बताना है कि भाई फाइनल मेडिकल आई थिंक आप 5 तो आप सितंबर से आई थिंक फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद फाइनल मेडिकल पे वीडियो बनाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि फाइनल मेरिट पे मेरे अकॉर्डिंग भाई मैंने अच्छे से एनालिसिस किया, देखिए वो वीडियो मैंने फ्रंट पे ही लगा रखा है ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अच्छा ट्राई किया था, और वैसे जनरली गाइज मेरे अकॉर्डिंग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उतने कैंडिडेट्स मतलब आउट हुए हैं जितना मैंने सोचा था, बट किसी किसी सेंटर पे कुछ कैंडिडेट ज़्यादा हो गए हैं। तो आप सभी बताना कि फिर से बनाया जाए क्या। देखो उतना ज़्यादा सब कुछ नहीं डिस्कस करूँगा, बट हाँ आप सभी कहते, जैसे अपना व्हाट्सअप ग्रुप है इस समय वहाँ पे कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट 100 कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने खुद क्रिएट किया, केवल वो कैंडिडेट्स वहाँ पे जुड़ रहे हैं जो आपका एयरफोर्स मेडिकल क्लियर कर चुके हैं या जिनका मेडिकल है, वो मतलब कैंडिडेट वहाँ पे जुड़े हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा भाई, अगर आप मेडिकल देने जाने वाले हो या दे आए हो, ठीक है, तो उस पर जरूर आना वहाँ पे फाइनल कट ऑफ लगाने में, जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स वहाँ पे आ पाएंगे वो, क्योंकि वहाँ पे मैं दिन भर देखता हूँ सारे के सारे कैंडिडेट्स अपने व्यू शेयर करते हैं कि भाई यहाँ पे इतने नंबर, वहाँ पे इतने नंबर, ठीक है। तो आप भी अगर उनमें से हैं तो जरूर आना, और वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा और वहाँ पे आके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी थिंग, अब उसके बाद तीसरी थिंग आपको बताता हूँ, कुछ रीमेडिकल रिव्यू शेयर किया गया तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और इम्पॉर्टेंट है मतलब रिव्यू पे क्या बताया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैंडिडेट्स के द्वारा काफ़ी अब तो काफ़ी निगेटिव आ रहा है, जैसे गोरखपुर सेंटर वगैरह पे अब ECG पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को आउट किया जा रहा है, तो ये एक निगेटिव थिंग ही है ना, ठीक है, कि इतने सारे कैंडिडेट्स को आउट किया जा रहा है। अब इसके पीछे का लॉजिक मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो ये आपको अगर देखिए जो कैंडिडेट्स, ये जरूर बताना कि फाइनल कट ऑफ पे वीडियो बनाया जाएगा कि नहीं, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आइए, आप सभी अपनी बातें रखिए कि भाई मेरे अकॉर्डिंग कितने नंबर हो सकते हैं, मेरे इतने हैं, आपके फ्रेंड्स कितने, इस वीडियो पे नहीं बताना, बट आप सभी को व्हाट्सअप पे आना है, और वहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा व्हाट्सअप ग्रुप का, वहाँ से आइए ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आके अपना व्यू शेयर कीजिए। सो चलते हैं व्हाट्सअप पर और देख लेते हैं कि क्या व्यू शेयर किया गया है। कैसे देखिए यहाँ पे अपना पहला या दो कैंडिडेट्स ने यहाँ पे व्यू शेयर किया है, तो यहाँ पे देखिए ये अपना यहाँ पे ये देखिए 2021 मेडिकल क्लियर बॉयज, ये अपना ग्रुप है, ठीक है, और इसमें वो सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने शेयर कर रखा है, तो ठीक है मतलब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला एक सेकेंड गाइज, तो गाइज देखिए यहाँ पे रिव्यू शेयर कर लेते हैं, रीमेडिकल रिव्यू पहला है। हेलो भाई, ग्वालियर का रीमेडिकल रिव्यू कल का रिव्यू देता हूँ। कल 21 बच्चों का ECG हुआ था जिसमें 20 फिट हो गए और एक को लखनऊ रेफर किया, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे देखिए, काफ़ी अच्छा भाई 20 ECG पे, भाई मैंने शुरू से बताया था जो कहना था वही हुआ है। आज मेरा भी है शाम को, आज का रिव्यू भी मैं बता दूंगा। मेरा नाम सत्यव्रत, भाई नाम गलत हो जाए, सत्यव्रत सिंह है आई थिंक आपका नेम, मैंने गलत नहीं बोला, अगर गलत बोला हो तो सॉरी, ठीक है, थैंक्स, वेलकम। आज 27 को इन्होंने, आज 27 तारीख को गाइस बोला है, अभी कुछ देर पहले इनका मैसेज आया था, 27 को 13-14 बच्चों का ECG हुआ जिसमें 7 फिट थे, उसमें से एक मैं भी हूँ। तो गाइज इनको कॉन्ग्रेट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर PSL। ECG में अनफिट किसी को भी नहीं किया, कुछ को लखनऊ रेफर कर दिया है, कुछ की दोबारा ECG करवा के चेक करेंगे। गाइज देखिए मेडिकल के बाद भी रीमेडिकल होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ निकल के आई है कि मतलब एक तो मेडिकल हो चुका, फिर उसके बाद रीमेडिकल के लिए रिफर किया गया ECG पे, अब फिर से होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से चेक किया, जो फिट थे अनफिट को फिट किया, हाथ में पसीना वाले दो बच्चे थे दोनों को अनफिट कर दिया, ठीक है, स्वीट वालों में बच्चों को गाइड्स वहाँ पे अनफिट कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक लड़का फ्लैट पिट में भी अनफिट हो गया, ब्लड और चेस्ट एक्सरे वालों का दोबारा ब्लड या चेस्ट एक्सरे टेस्ट करने को कहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे पहले तो देखिए मेडिकल कराया, मेडिकल के बाद रीमेडिकल के बाद भी गाइस यहाँ पे रिफर कर रहे हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, है ना इंटरेस्टिंग चीज़, आप बताइए इंटरेस्टिंग तो है ही, ठीक है। सो नेक्स्ट कैंडिडेट का देख लेते हैं, तो भाई को कांग्रेस सत्यव्रत सिंह को क्योंकि इनका सिलेक्शन हो गया है, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप तो मेरे साथ में जुड़े हुए हो तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कैंडिडेट जो हैं उनका भी यहाँ पे व्यू शेयर कर लेते हैं, ठीक है, ये उनका फोटो है, शेयर किया उन्होंने भी अपना व्यू, और किस सेंटर का ये भी देख लेते हैं चल के। भाई मैं अपना मेडिकल रिव्यू शेयर करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा यस भाई प्लीज़ शेयर रिव्यू, मेरा बागडोर में 22 अगस्त को रिपोर्टिंग था, मतलब 22 अगस्त को था। सो उन्होंने बोला वहाँ मुझे 24 को इतने रिपोर्ट इतने में करने को कहा गया, बागडोरा एयरफोर्स स्टेशन में ब्लड और स्किन का क्लियर हो गया, ठीक है, जब 22 को 158 भी गया तो वहाँ बोले आज छुट्टी है, बट मेरा लक अच्छा
अच्छा था, ठीक है। तो मुझे अनबिलेकल हार्निया का पॉइंट था, तो सर्जरी वाले डॉक्टर बैठे थे जो सर्जरी पॉइंट था उसी दिन चेक हो गया, ठीक है। तो गाइज इनका जो सर्जरी का पॉइंट था वो उसी दिन चेक कर दिया गया। नेक्स्ट है, 7 सर्जरी वाले थे, 5 फिट 1 अनफिट। तो सर्जरी वालों में भी काफ़ी अच्छी खासी न्यूज निकल के आ रही है कि 5 कैंडिडेट को फिट कर दिया गया और 1 कैंडिडेट को यहाँ पे किया गया है अनफिट। नेक्स्ट है, 4 हाइड्रोसील हार्निया फिटीसी फिट हुए, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टिस वगैरह वाले भी चारों के चारों कैंडिडेट को कर दिया गया है फिट। नेक्स्ट यहाँ पे एक कन्ना फूला रहता है नी में यूज, मतलब सारा का सारा कैसे कि अब सारे कैंडिडेट्स का कुछ मेडिकल वगैरह बचा नहीं है, पढ़ सकते हैं। 26 को मेरा एनटी मिला, डीएनएस था, एनटी वगैरह, डेंटल 4 में फिट, 2 अनफिट। एनी क्वेश्चन आस भाई, आर्थो का थर्सडे को रिपोर्टिंग है, ट्यूजडे को छुट्टी रहता है, भाई के काफ़ी पॉइंट है, ठीक है। प्लीज़ शेयर दिस रिव्यू। यस, मैंने शेयर कर दिया और उन्होंने बागडोरा आई थिंक उधर का शेयर किया है। ये बागडोरा पे आई थिंक वो जो है आपका क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो एक कैंडिडेट ने वहाँ का इमेज शेयर किया था आई थिंक, मुझे नहीं, फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। याद है किसी को बता देना, ये पास माउंटेन सीन है, अच्छा ऐसा कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट वहाँ पे एयरपोर्ट का शायद वहाँ पे किसी ने शेयर किया था बागडोरा पे, आल्सो वन हियरिंग 600 सेंटीमीटर प्रॉब्लम फिट। सर्जरी वाले डॉक्टर कैंडिडेट के लिए गॉड हैं, जिनका भी सर्जरी पॉइंट है बागडोरा में रिलैक्स हो सकते हैं। मतलब गाइस सर्जरी वाले कैंडिडेट्स को अब अनफिट नहीं कर रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग सभी फिट होने वाले हैं। बिकॉज एक फ्रेंड ने भी बताया, एक कैंडिडेट को हाइड्रोसिल सर्जरी का घाव था, नहीं सूखा था, उसे एक वीक का टाइम और मिल गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रेस्ट ऑल ब्रदर आस्क क्वेश्चन इफ एनी वेलकम ब्रो। तो गाइस देखिए मैंने थैंक्स कहा तो उन्होंने वेलकम कर दिया, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू भाई, ठीक है। आपने इतना अच्छे से व्यू शेयर किया, ठीक है, और उन सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से थैंक यू। एंड ये बताना कि फाइनल कट ऑफ पे वीडियो बनाया जाए कि नहीं। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।